हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और पाइए अपने व अपने आसपास से जुड़ी खबरें वैभव क्रांति पर। नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटानी। इस समय मौजूद हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड में। 12 मई को लोकसभा के हरियाणा में चुनाव होने हैं। मतदान करने के लिए यहां के जो सैर करने वाले लोग हैं, किस पार्टी के हक में अपना मतदान करते हैं, किन किन मुद्दों पर आधारित वो वोट करेंगे, आइए जानते हैं हम कि मुद्दे क्या होंगे, इस बार क्या प्रभावी मुद्दे होंगे। हमारे बीच में है, क्या शुभ नाम है सर? BM शर्मा। शर्मा जी, 12 मई को चुनाव होना है, किन मुद्दों पर आप चुनाव में मतदान करेंगे? इस बार जो चुनाव हो रहा है वो ज़्यादातर जातिगत आधार पर है। हर व्यक्ति जो खड़ा होने की कोशिश कर रहा है वो ये सोचता है कि मेरी जाति के किसने इस एरिया में है ताकि मुझे उसकी टिकट मिल सके। जहाँ तक विकास की बात है, विकास तो हुआ है लेकिन उस लेवल पर नहीं हुआ जिस लेवल पर होना चाहिए। सड़कें बनी हैं, KMP बहुत बढ़िया बना है, KGP को बनाया है, पार्कों का भी काफ़ी काम हुआ है, लेकिन जहाँ तक है बेरोजगारी बढ़ी हुई है, ठीक है ना। हमारे बीच में अनिल वर्मा है। अनिल वर्मा जी, किन मुद्दों पर आप चुनाव में वोट करेंगे? सर, मेरा मुद्दा तो बेरोजगारी का रहेगा। आज की डेट में इतने युवा बेरोजगार हैं, नए नए युवा BTEC करके, MTEC करके, फलानी अच्छी अच्छी माँ बाप उनको बहुत मोटी शिक्षा दवा के उनको पढ़ाते हैं, फिर वो बेरोजगार घूमते हैं। तो मेरा तो पर्सनल जी मुद्दा है इस सरकार में बेरोजगारी का। आइए हम जानेंगे कि इन शख्स का क्या वो रहेगा, रवैया क्या रहेगा। आप किस पार्टी को बंद करेंगे, किस मुद्दे पर वो आप वोट करेंगे? तो ये कहते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इन चीज़ों पे तो कोई मुद्दा है ही नहीं, कोई पार्टी बात ही नहीं कर रही। हर कोई अपने कैसे हमें पार्टी हमारी बीच में आए, बस कैसे हमें सत्ता मिले। बाकी कोई बेरोजगारी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, लोगों के स्वास्थ्य की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, बच्चों की शिक्षा की तरफ। सरकारी शिक्षा का स्तर देखो आप क्या है, फीस बढ़ा देंगे, फीसों के प्राइवेट स्कूलों में जाओ तो प्राइवेट स्कूल की फीस की कोई बात नहीं कर रहा। हर कोई बस अपनी सत्ता के लालच में है कि हमें सत्ता कैसे मिले। तो आप आपने मुद्दे गिरा दिए हैं लेकिन आप वोट भी करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। आपकी नज़र में ऐसी कौन सी पार्टी है जो इस समय सही राह पे है, जिनका एजेंडा भी अच्छा है? देखो जी, फिलहाल तो इस टाइम तो BJP हमारे हिसाब से जो काम ठीक लग रहा है, BJP का ही थोड़ा काम ठीक लग रहा है भी, चलो उसकी उसको ही वोट देंगे हम फिलहाल। चलिए, बीजेपी को आप BJP के पक्ष में बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र में ये कहा कि हर साल हम 6,000 रुपये देंगे महीने के बेरोजगारों को, 72,000 रुपये साल के देंगे और 20,00,000 नौकरियाँ देंगे 2022 तक, या 2020 तक, सॉरी। क्या कहेंगे उसके? घोषणा पत्र तो होते रहते हैं, हमें तो आज तक किसी घोषणा पत्र पे काम नहीं, जो जमीन स्तर पे काम देखते हैं हम फिलहाल तो यही देख रहे हैं जी। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन से मुद्दे हावी हैं और पलवल विधानसभा क्षेत्र है जो आप जहां पर खड़े हैं, पलवल जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, होडल, हथीन और पलवल, कौन से मुद्दे प्रभावी रहेंगे आप? देखिए, मैं प्रेम मकबूल, मैं विकास और भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार मेन मुद्दा होगा, इससे बड़ा मुद्दा कोई भी नहीं है। और विकास, एक बहुत बड़ा विकास हम करना चाहते हैं देश में। जहां विकास होगा हम वहां होंगे और कहीं नहीं होंगे, जहां विकास होगा विकास के साथ हम होंगे। जब से लोकसभा क्षेत्र का गठन हुआ है पलवल क्षेत्र में, पलवल का जिला है, जो पलवल जिला है उसमें कितना विकास हुआ है? पलवल में विकास आज की डेट में देखा जाए तो कुछ हद तक ठीक हो रहा है। साफ सफाई तो है ही, गंदे नाले हैं जो इन पर भी टाइम से सफाई नहीं हो पाती है, जो कॉलोनियों का पानी आता है उन पर भी बुरा नाले रुक जाते हैं। मेन मुद्दा है हमारा चिकित्सा और शिक्षा, अगर इनको फ्री किया जाए तो एक गरीब से गरीब का बच्चा भी विकास कर सकता है। आपको शुभ नाम? सतीश कुमार जी। सतीश कुमार जी, आपने कहा कि चिकित्सा और जो शिक्षा ये फ्री होनी चाहिए, ये किस सरकार की तरफ से होनी चाहिए? अच्छा, सरकार की तरफ से। चलिए, उन्होंने बताया, सतीश कुमार ने बताया कि चिकित्सा और शिक्षा दोनों फ्री होनी चाहिए आज के समय में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम तिलक है। तिलक जी, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में इस समय लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन से मुद्दे प्रभावी है? देखो, एक तो बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज़ है, लोग बाग BTEC करके, MTEC करके हैं, आज की डेट में यही डोल रहे बच्चे, इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं अपने बच्चों के ऊपर हैं, उसके बावजूद भी उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा। और सफाई के मामले में पलवल में तो नील बटन नील हिसाब किताब है, पलवल में कोई
सफाई का कोई ऐसा वो नहीं है। आज हम जमादार को कुछ पैसे दे देते हैं तो वो कर देता है, नहीं तो आज कोई जगह जगह कूड़ा देखने को मिलता ही है। आप शर्मा जी, कौन कौन से मुद्दे फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में प्रभावी हैं इस समय? सर मुद्दे तो प्रभावी एक विपक्ष है, वैसे तो कुछ नहीं है। विपक्ष में लोगों ने जबरदस्ती बना हुआ है मुद्दा, नहीं फरीदाबाद में जैसी शांति से 5 साल रहे हैं, इससे अच्छी कोई सरकार नहीं रही। सारे विकास किए हैं, रोजगार बहुत निष्पक्ष मिला है, किसी ने 1 रुपये रिश्वत नहीं दी। पहली सरकारों में 10 लाख रुपये रिश्वत के ज़्यादा थे। आज गरीब का बच्चा नौकरी पा रहा है, जो लायक है उसको नौकरी मिली हुई है। पहले जिन पैसे वाले थे उनको पैसे देकर नौकरी मिलती थी। इससे अच्छी सरकार कोई नहीं रही हरियाणा के अंदर और सेंटर के अंदर। शर्मा जी ने कहा कि इससे अच्छी सरकार कोई नहीं मिलेगी। हाँ जी, आपको शुभ नाम? राजकुमार गांधी। गांधी जी, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से मुद्दे हावी है इस समय? सबसे ज़्यादा मुद्दा हावी है जी बेरोजगारी का। आए लोग बीटेक एमबीए करके भी 4th क्लास में नौकरी पा रहे हैं तो उससे लोग खुश संतुष्ट नहीं हैं अपने बच्चों से। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है और किसी नेता को इस तरह की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा कि बच्चों को रोजगार दिया जाए, स्वास्थ्य को अच्छा दिया जाए, सरकारी अस्पताल को अच्छे होने चाहिए, डॉक्टर अच्छे बढ़िया होने चाहिए। सब प्राइवेट हॉस्पिटल में भाग रहे लोग सबसे। तो ये थे हमारे बीच में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सैर करने वाले लोग। बिजली पानी सड़क के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे को भी उन्होंने छेड़ा। उन्होंने कहा कि इस बार जो मतदान करेंगे हम मुद्दों पर आधारित मतदान करेंगे। मैं पलवल से सतीश भूटानी।